न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आपको बता दें कि गाजीपुर में एसबीएम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। शहर के मोहम्मदाबाद विकासखंड के कई गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक भी खेले गए। सबसे पहले सहायक विकास अधिकारी ने विकास से स्वच्छ भारत मिशन के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत कई टीमें बनाई गई हैं। ये टीम हर गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक आयोजित कर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगी। भारत रहेगा स्वच्छ तो बीमारियां दूर रहेंगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को कैलेंडर और पुस्तक भी दी जाएंगी, जिसमें स्वच्छता को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। रायबरेली के सलोन कोतवाली में तैनात होमगार्ड के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसमें उन्होंने थाने में लगभग 15 सालों से तैनात होमगार्ड वीपी सिंह पर क्षेत्र में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने लोगों को जांच कराकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रायबरेली में जिलाधिकारी अर्चिता माथुर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार अग्रवाल ने आगामी होली और रमजान के त्यौहार को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में रमजान के दौरान समाज के सभी धर्मों के प्रबुद्ध लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की और दंगियों के साथ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने होली और रमजान दोनों त्योहारों पर जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा है कि ये दोनों त्योहार आपसी सद्भाव के हैं और लोगों को आपस में जोड़ते हैं। वही दोनों त्योहारों पर अगर कोई भी अराजकता या हुड़दंग फैलाएगा तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आगामी जितने भी जनपद में त्योहारों को संपादित किया जाना है उसके लिए, उसके संबंध में एक सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक मेरे और पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा की गई है। इसमें प्रमुख रूप से सारे जो हमारे विभाग हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं, चाहे साफ सफाई के हों, विद्युत सुरक्षा के हों, मेडिकल विभाग से संबंधित हों और हमारी जो रूट्स की तैयारी है, जुलूसों की तैयारी है, उन सभी से आयोजक गण जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक गण हैं उन सभी के लिए भी जो सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मैसेजेस हैं वो भी इन लोगों को दे दिए गए हैं। और उन्नाव के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रिका खेड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 2.40 अरब की 103 विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी किया और जनसभा को संबोधित भी किया। इसके अलावा लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, डमी चेक और स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम और भारत माता के जय घोष के साथ कहा कि अगली बार 400 पार। इस मौके पर सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह, सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख, निकाय अध्यक्ष मौजूद रहे। एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वाहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वाहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वाहन व्यक्ति तभी कर। झांसी में लखनऊ से आई इनकम टैक्स जीएसटी का काफिला पुलिस टीम के साथ आंतिया तालाब स्थित अग्रवाल स्टील कॉरपोरेशन पर पहुंचा। टीम ने उनके गोदाम और कार्यालय पर छापेमारी करते हुए जीएसटी से संबंधित पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही टीम ने गोदामों में पहुंचकर कर्मचारियों और संचालक से भी पूछताछ शुरू करते हुए टैक्स संबंधित दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। लखनऊ से आई इस टीम की छापेमारी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराने के लिए बॉर्डर पर चलाई जा रही चेकिंग अभियान के तहत प्रेमनगर, बड़ागांव और नवाबा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीनों थानों की पुलिस टीम ने आबकारी टीम के साथ अवैध नकली शराब बनाने वाले कारोबार का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 नकली शराब की पेटियां, 45 क्वार्टर, 1 बोरा खाली क्वार्टर, 300 नग, क्वार्टर के ढक्कन, रैपर, 6 जेरिकेन, नकली स्प्रिट और 60 लीटर स्प्रिट और नकली पदार्थ सहित भारी मात्रा में बरामद किया है। पकड़ी गई नकली अवैध शराब और सामग्री की कीमत 1,80,000 रुपये बताई जा रही है। गिरफ्तार कर पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ये झांसी जनपद में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब ये पूछताछ में और जो बरामदगी को लेके मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है जो स्पिरिट है वो मध्य प्रदेश एक जनपद से लेके आता था यहाँ पे और उसमें पानी और कुछ रंग मिला के नकली शराब बना के पूरा पैकिंग एक बड़ा गांव में एक अपना एक और व्यक्ति जिसमें गिरफ्तार किया था उनके घर पे पूरा। बहराइच पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर अग्रसेन तिराहा से रेलवे स्टेशन की तरफ से पास से एक अभियुक्त मोहम्मद इब्राहिम को 13 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया और इस मामले में स्थानीय थाने में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को मामले में न्यायालय के लिए रवाना कर दिया है।
महोबा मुख्यालय स्थित नवोदय विद्यालय परिसर के जंगल में अचानक भीषण आग लग जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं सूचना पाती प्रभारी अग्निशमन अधिकारी देवेश तिवारी दो फायर टेंडर के तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि नवोदय विद्यालय के परिसर में बने जंगल में आग काफी फैल चुकी है। तत्काल आग को दोनों तरफ से घेर कर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र के रायनपुरा के पास शराब के नशे में धुत एक 60 साल के बुजुर्ग नाले में गिर गया और कई घंटों तक नाले में पड़ा रहा। वहीं जो परिजनों ने उसे नाले में पड़ा देखा तो आनंद फानन में जिला अस्पताल से ले गए और डॉक्टर ने चिकित्सा परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना भेज दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है भैया आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार कहाँ के रहने वाले हो? मोहल्ला छोटा रमनाबाद नंबर 2 चरखारी। चरखारी जिला महोबा। क्या हो गया, क्या घटना हो गई? पिताजी थोड़ी नशे में थे तो उसमें गिर गए थे नाली में पानी में। फिर क्या हुआ? ये मेरे चाचा के लड़के ले गए थे अस्पताल चरखारी में, चरखारी से रेफर हो गए महोबा लाए, फिर वहीं एक्सपायर हो गए थे। मैं तो बाहर। कानपुर मेट्रो ने चुंगीगंज से नयागंज भूमिगत सेक्शन के फाइनल टनल ब्रेकरूथ को मैकोडाइडस्कन से निर्माणाधीन चुंगी स्टेशन तक डाउनलाइन पर टनल निर्माण करके तात्या टनल बोरिंग मशीन को चुन्नीगंज स्टेशन तक पहुंचा दिया। दरअसल ये मेट्रो अंडरग्राउंड 4 स्टेशन को जोड़ेगी और कानपुर सेंट्रल तक पहुंचेगी। इस संबंध में UPRMRC के प्रबंधक निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि टर्निंग का काम पूरा हो गया है और अब फिनिशिंग का बचा है। ये सेक्शन मेट्रो के लिए सबसे महत्वपूर्ण था क्योंकि ये मार्ग शहर के कई महत्वपूर्ण रास्तों को जोड़ता है। सबसे पहले तो मैं सुशील कुमार, MD उत्तर प्रदेश मेट्रो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आगरा मेट्रो के इतिहास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। जब हम लोगों ने पहले 4 अंडरग्राउंड स्टेशन की टनलिंग का काम पूरा कर लिया है, दोनों लाइन में टनलिंग का काम आज पूरा हो गया है। दूसरी TBM आज आखिर तक आकर के और ब्रेक थ्रू कर लिया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक सवार दो युवक दो मासूम बच्चियों को बहला फुसलाकर अपने साथ सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने लगे। बालिकाओं को शोर मचाने पर जब क्षेत्रवासी दौड़े तो बाइक सवार दोनों युवक भाग गए। पीड़ित तो बालिकाओं को लेकर परिजनों क्षेत्रवासी थाने पहुंचे, शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। आज आप तो थाने क्यों आई? थाने हम इसलिए आए, हमारी बच्ची स्कूलों से आई, खेल रही थी बाहर, ये गाड़ी से आए दोनों जन, फिर बच्चियों को गाड़ी। क्या नाम है लोगों का? उन लोगों का एक का नाम एसपाल और एक का नाम पपोला बोलते हैं। क्या करते हैं लोग? जे ऐसी गुंडागिरी दिखाते हैं छड़ियों में। तो बच्चों ने फिर क्या बताया आपको? बच्चों बोला जे दो आदमी आती हैं हमारे साथ, गलत काम रोज करते थे। किस बहाने से ले जाते हैं जे? किस बहाने से? चलो बच्चों, हम तो मैं टॉप हमारे कपड़े उतार रहे थे, एक अंकल झाड़ियों में ले जा रहे थे, गंदी हरकतें कर रहे थे। आप जानती हो ना कौन है? नहीं। सामने आएंगे पहचान लोगी? हाँ। कहाँ पर ले भा गए थे? झाड़ियों के पास। क्या कह के? उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री बनाए जाने के बाद समर्थकों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बारामूल पहुंचे दारा सिंह ने साफ तौर पर यह बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया और यही कारण रहा कि जिस कारण से उन्होंने भाजपा के साथ रहने का निर्णय लिया। वहीं जब उनसे इस बात पर सवाल पूछा गया कि घर वापसी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो दारा सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि वो कभी घर से बाहर ही नहीं गए थे। अखिलेश यादव के PDA पर दारा सिंह चौहान ने बड़े सवाल निशान खड़े लगाते हुए कहा उनका PDA सिर्फ दिखावा है, असल में PDA के हक में सिर्फ PM मोदी काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम 2024 में एक बार फिर दिखेगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार PM बनेंगे। बिजनौर से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 10 मार्च को बिजनौर के नंगला थाना क्षेत्र के सवलपुर में मालन नदी के पास जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिला। इस बारे में जैसे ही नंगला थाना पुलिस को सूचना मिली तो थाना प्रभारी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर बिजनौर SP नीरज कुमार जाधव और CO भी मौजूद रहे। हत्या का खुलासा 24 घंटे में SP नीरज कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स का 3 बच्चों की मां के साथ 5 महीने से अवैध रहा है। जब महिला ने उससे शादी करने को कहा तो प्रेमी और प्रेमिका के जीजा ने युवती की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू करती है। तारीख को सुबह लगभग 9:45 बजे नागल थाना प्रभारी से सूचना प्राप्त हुई थी कि सबलपुर भीतरा का खादर है, गांव पड़ता है, उसके खादर में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, फील्ड भी पहुंची थी, डॉग्स का भी बुलाया गया था। महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था मौके पर। उस महिला का सर नहीं मिला,
और सर की तलाश करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया था, डॉग स्क्वाड भी लगा हुआ था, हम लोगों ने गोताखोर का भी इस्तेमाल किया था। महाराजगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। निचलौल थाना क्षेत्र के गुड़ावा मोहल्ले में एक घर में कमरे में एक महिला और उसकी दो बच्चियां मिली, जिसे अस्पताल में घायल दोनों बच्चों को इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि महिला का इलाज चल रहा है। वहीं सोशा पर मौके पर पहुंचे सीओ और थानाध्यक्ष फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल की। घर में बच्चों के साथ महिला अकेली रहती थी, पति चीनी मिल में नौकरी करता है। फरुखाबाद में सीएम योगी ने इशारों इशारे में सपा पर जोरदार हमला बोला, कहा कि गलत सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और अच्छी सरकार ने राम दर्शन कराए। 2017 से पहले देश में यूपी क्यों बीमारू राज्य विकास में ब्रेकर के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश विकास का ब्रेक थ्रू बनकर देश में उभरा है। उन्होंने कहा कि सपा के चीरहरण दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत माँ का लाल था तो वो फरुखाबाद के सपूत स्वर्गीय रामदत्त त्रिवेदी थी। उन्होंने ही जान की बाजी लगाकर सपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। और 7 मार्च को जमाने का कार्यक्रम बन रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि 10 तारीख तक आचार संहिता लागू हो जाए। तो मुझे मुकेश राजपूत जी ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नहीं नहीं अभी तो जो है यहाँ पे जो है हम वहां अयोध्या धाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अयोध्या धाम बहुत आवश्यक है, 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।